अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? ये न्यू हाउस से मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ठीक है। तो नाश्ता हो गया अभी हमारा, और चाय भी पी ली है, और थोड़ा जल्दी उठे थे आज। तो आज फ्राइडे है और आप लोग सुन रहे होंगे बयाना चल रहे। तो फाइनली पूरा सामान लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी ना, पूरा शिफ्टिंग हो गया। तो अभी मैं ना गीज़र ऑन कर, बिकॉज नाली को पानी नहीं लाना है, ठीक है। तो जब तक पानी गर्म होता अपन दूसरा काम करेंगे। अली की साइकिल हर व्लॉग में, हर घर में रहती है हमारे अली की साइकिल, अली की फेवरेट साइकिल। अली को जो भी साइकिल दिलाओ बट वो साइकिल होना रहता। एंड ये जो झाड़ था ना, मैं इसको यहाँ रखी बिकॉज अच्छा दिख रहा था रात में। ये हमारी बालकनी है, इधर भी अच्छी दिख रही रात में, लाइट लगाई तो इधर लुक अच्छा आ रहा। अभी सेटिंग करना है, ऐसे बयानों की अच्छी आवाज़ आ रही। तो ये थोड़े थे टॉयस वगैरह, ये पूरे निकाल के सेट कर दी, और इसमें भी टॉयस थे निकाल दी इसमें भी। तो ना मेरे को जानीमांस लाना है, बाहर धो के डाली थी बिकॉज डस्टिंग में जानीमांस ख़राब हो गया था, लेकेंगे अपन। तो जानीमांस ले लेंगे, इसको वॉश करके रात में डाल दी थी मैं बिकॉज पूरा डस्ट में ख़राब हो गया था इसके वजह से। टीवी ऐसा फिट हो गया यहाँ पर, ओके। लाने के टाइम में ना सीपीयू थोड़ा ख़राब हो गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो शोएब क्या करे, इसको खोल के बनाए तो पता नहीं, ऑन रखे शायद, तो ऐसा है। इसको लाने के टाइम पे कार में लेके आए थे हम लोग, तो पीछे रख दिए थे ना, तो हिल गया है शायद, तो इसलिए ना थोड़ा ख़राब हो गया। आप लोग को ना बाद में मैं आप लोग को होम टूर कराते रहती हूँ बिकॉज ना अभी सेट होना है। अभी ये भी रूम दिखाती हूँ मैं आप लोग को, पसारा पड़ेगा है गाइस, देखो। तो ये भी रूम में पसारा पड़ेगा है, ये दीवान खाना है, इसमें रख दिए थोड़ी चीज़ें। इसको भी सेट करना है, और पहले ना कर्टन्स लगाना है। कर्टन्स लगे हुए नहीं है, तो कर्टन्स लगाएंगे अपन। तो ये भी ग्लास है ना, इसको भी लगाना है। तो इधर कर रहे थे शोएब होल, लेकिन इसमें से ना ये बहुत हैवी है ग्लास, तो ये निकल जा रहा। मशीन से करना पड़ता गाइस ये दीवारों पे। तो ये पूरी वॉश करना है, अभी डस्ट आ गई। ये छोटी सी बालकनी है हमारी। तो ना मैं खारा मंगाई थी गाइस खाने के वास्ते, तो शोएब लेके आई, ये कोसा खा रहा है, मेरे को भी नहीं मालूम, टेस्ट करके देखेंगे अपन। बड़ी पैकेट मंगाई थी मैं इसकी, हिसाब से तो अच्छा है ये खारा, तो देखेंगे। मतलब इवनिंग के टाइम पे खाने के वास्ते मंगाई थी मैं चाय के वास्ते, ठीक है। तो चलो गाइस अभी दिखाती हूँ मैं आपको आगे का काम। भरी थी अभी रखी ने फ्रिज भी ना, हटो ली हटो नहीं। तो ये दो रख दी मैं ठंडे होने के वास्ते, ठीक है। ये चिकन फ्राई कर रही मैं, पहले इसको ना अच्छे से अपन भून लेंगे। तो इसमें ऑयल और मसाला डालेंगे गाइस, बिकॉज मैं इसमें पानी रहता ना वॉश करे तो पूरा सूख गया तो अच्छा रहता। चिकन फ्राई, इसमें सब मसाले डाल दी मैं, गरम मसाला भी डाल दी, ठीक है। तो इसको बनने रख देंगे अपन ढाप के, और बनाने वाली हूँ आलू की तहारी। तो तहारी में ना मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस चार जीरा डाल रही हूँ गाइस आलू की तहारी में। डाली टमाटे, आलू, हरी मिर्ची, और ये थोड़ा गरम मसाला एंड चार जीरा। एंड ना मैं इसलिए जल्दी रेसिपी इसलिए बना रही हूँ बिकॉज शिफ्टिंग के टाइम पे, घर चेंजिंग करने के टाइम पे ना लंबे सालाना बनाते बैठे तो नहीं होता गाइस, इसलिए मैं ना झटपट वाला रेसिपी बना रही हूँ, ओके। पानी और इसको ढक्कन लगा देंगे, दो सीटी में बन जाती है आराम से। यहाँ पर स्पाइसी एकदम ज़बरदस्त का फेवरेट चिकन फ्राई हो रहा। तो मशीन का कनेक्शन कहाँ फिट करें हम लोग का, ये है सिंक, यहाँ पर पाइप लगा दिए शोएब, बट ना इसका पाइप मशीन में नहीं जाता, तो ये निकाल के लगाना है। तो बस
मशीन ना थोड़ा ऑन नहीं हो रही फिर से, मतलब लेके आए थे ना तो थोड़ा ऑन नहीं हो रही हमारी मशीन, और डस्टिंग भी आ गई, पूरा क्लीन करना है इसको। फाइनल लुक इसका चिकन फ्राई का ज़बरदस्त बन गया। ठीक है, अभी खाना बनने वाली है, अपन लंच करेंगे फिर कामा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी ना स्टैंड को लगाना है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ हो गई, मैं किशमिश खा रही हूँ तो किचन में किशमिश था तो किशमिश खा रही हूँ। तो ना कितना सुबह से भी कर रहे तो काम हो रहा नहीं, अपना 3:30-4 बजने आ रहे, अभी लंच नहीं हुआ हमारा, तो ऐसे होता मालूम, तो लंच देर होता, अब 4 बजते होंगे हम लोग लंच करे तक। तो इवनिंग का टाइम हो रहा, अभी जाएंगे अपन चाय बनाएंगे। ठीक है, हमारे घर से ना सनसेट इतना प्यारा दिख रहा मालूम, माशाल्लाह, वाओ। चलो खिड़कियाँ बंद। तो मगरिब का टाइम हो रहा, तो अजाया अभी हो रहे, जब तक चाय रख देंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, जब तक चाय बनते रहती है। ओके, बिकॉज अपन कड़क चाय पीते हैं ना गाइस, उसको अच्छे से पकाना बस। ये बन गई हमारी कड़क चाय इवनिंग की। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एंड आज का व्लॉग देखे ना आप लोग, इतना बिजी था, मतलब मालूम आप लोग को ये सब चीज़ें तो होंगा, बिकॉज ना घर चेंज करना, शिफ्ट करना बहुत लंबा हो जाता, तो अभी भी काम हमारा बहुत बाकी है, अभी बहुत करना है, सभी अपन आराम से जमा ले सकते हैं, बिकॉज आली के साथ काम करना, एक बेबी के साथ, मतलब समझ जाओ ऐसे आवाज़ रहते हैं उनके। तो जो भी है, फर्स्ट व्लॉग आज हमारे न्यू घर से बनाई मैं, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। समझ में देखो आली की आवाज़ ना, देखे ना आप लोग, थोड़ी देर में रुको बोलती तो सुनते नहीं, मतलब व्लॉग्स में डिस्टर्ब होता, ऐसा था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। जो भी है जल्दी जल्दी रेसिपी बनाई, मालूम ना आप लोग को शिफ्टिंग के साथ, मतलब बाहर का कितना बोल के खाते गए, इसे एक बार दो बार तीन टाइम तो नहीं खा सकते, और काम कर रहे भूख लग रही, और समर है स्पेशली तो ख़तरनाक भूख भी लगती, सब में ज़्यादा पानी की प्यास लगती, तो ना इसके वजह से मैं सिंपल आलू की तहारी बनाई थी, चिकन फ्राई बनाई थी, और शाम में अब देखती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तो जल्दी होम टूर करूँगी मैं, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, माशाल्लाह आप लोग को भी आई हो पसंद आता होगा। एंड चाय भी हो गई अपनी, मगरिब की नमाज़ भी हो गई, मैं सोची चलो व्लॉग एंड करेंगे, आप लोग तक पहुंच जाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ज़रूर मेरे फैमिली को दुआ में याद रखना, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़।